The wizard gave me superpowers. And then everybody got superpowers. Where's everyone going? To fight crime? Okay. So, hey guys, welcome back, welcome. आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल फिल्म टॉकवेयर से लेकर आ चुके हैं आप सभी दोस्तों के लिए हॉलीवुड की 15 न्यू धमाकेदार मूवीज जो हिंदी डब में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं और हमेशा तरह इन सभी मूवीज का लिंक वीडियो बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप इन सभी मूवीज को यूट्यूब पर देखने वाले हो तो मुझे पता है यार अगर आपको मूवीज पसंद आएगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करोगे, लिंक वीडियो बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 पर आती है कार्टर जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। यार ये मूवी में आपको फुल ऑन एक्शन ड्रामा और एक ऐसा बंदा है जो भागता भागता ही नजर आएगा, मतलब कभी बच्ची को बचा रहा है, कभी अपने आप को बचा रहा है, कभी अपने दोस्तों को बचा रहा है। ऐसा क्यों और किस लिए ये आपको इस मूवी में देखना है, लेकिन एक्शन सीन्स तो बहुत ही धमाकेदार हैं। 2022 की है, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, एक्शन ड्रामा पर बेस्ड है, 5.1 की रेटिंग दी गई है। लिंक आपको वीडियो बॉक्स में मिलेगा 15 नंबर पर। लिंक ओपन ना हो तो लिंक ओपन कैसे करे वाला वीडियो देखो। नंबर 14 पर आती है टेरर ऑन द पिरामिड्स। ये मूवी 2022 की है, वेस्टर्न ड्रामा मूवी है यार। मूवी की रेटिंग है 5.8 की। एक मर्डर हुआ है और उसे ढूंढने के लिए एक ऐसा वेस्टर्न डिटेक्टिव आता है जो यार हर चीज को पकड़ लेता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान। अब यार देखना है इस कातिल को क्या ये ढूंढ पाएगा या फिर दोस्तों मर मिट जाएगा। मूवी का लिंक मैंने ऐड किया हुआ है 14वें नंबर पर, जाकर देख लो मेरे भाइयों। नंबर 13 सी फीवर 2019 की मूवी है। मूवी में आपको हॉरर, थ्रिलर, साथ साथ दोस्तों क्राइम भी देखने को मिलेगा। मूवी की रेटिंग है 5.7 की। अब कहानी है यार ऐसे समुंदर की जो बहुत ही गहरा है और एक बोट है जहां पर लोग फंसे हैं। अब भाई साहब जो ही जो होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें की जो पुतलियां होती हैं वो भी डर जाने वाली हैं। तो इसका लिंक मैंने ऐड किया हुआ है हॉरर से भरी मूवीज को देखने के लिए, 13वें नंबर पर लिंक मिलेगा। नंबर 12 पर आती है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक सीरीज स्टार्ट किया था पिछले 5 वीडियो से, वो है पेसमेकर, जिसका हर एक एपिसोड हर एक वीडियो में दिखाते जा रहा हूँ और इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। ये वही हीरो है जो सुसाइड स्क्वाड में पेसमेकर का काम कर रहा था, मतलब जिसका निशाना कभी चुकने वाला नहीं है। अब इसकी जिंदगी में क्या है, इसकी कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी, इसको देखने के लिए आपको इसका एपिसोड नंबर 5वां देखना पड़ेगा। 4 एपिसोड पिछले वीडियोज में दिखा चुका हूँ, फिर बाद में मत बोलना। नंबर 11 ड्रैगन जो 2011 में आई थी, एक्शन ड्रामा पर बेस्ड है, 7/10 की रेटिंग दी गई है। अब ड्रैगन है तो भाई मार्शल आर्ट तो होने वाला है, क्योंकि यार आप लोग जानते ही हो चाइनीज मूवी हो जापानीज मूवी हो उनमें ड्रैगन मार्शल आर्ट वाली सरसनीम होनी रहती है। तो आपको इस मूवी में एक चीज खास देखने को मिलेगा, एक ऐसा आदमी जो यार अपने पूरे कॉन्ग से लड़ने वाला है। अब वो क्यों किस लिए, इसको जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा, तो जाओ और देख लो। नंबर 10 पर आती है द होस्ट, 2013 की आई हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है और रोमांस तो दिया ही गया है, प्लस इस मूवी की रेटिंग है 5.8 की। अब स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसी लड़की से जिसके अंदर एक ऐसा मशीन फिट किया जाता है जिसे वो जिंदा लौट आती है। अब आगे आपको देखना है कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है भाई लोग। तो यार इसका लिंक ऐड है, मिस मत करना, बहुत ही दमदार और बहुत ही जबरदस्त मूवी है। नंबर 9 12 स्ट्रॉन्ग, ये मूवी 2018 की है। मूवी में आपको एक्शन वॉर ड्रामा देखने को मिलेगा। मूवी की रेटिंग है 6.5 की और इसमें हमारे जी हाँ दोस्तों थॉर भैया भी हैं। तो यार अगर आप लोग एक वॉर ड्रामा मूवी देखना चाहते हैं दो देशों के बीच तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं बट अच्छी खासी मूवी है यार। लिंक आपको मिलेगा 9वें नंबर पर, वो भी वीडियो बॉक्स में जाकर चेकआउट कर लो अगर लिस्ट को आप लोग जानते हो। नंबर 8 ओनली 2019 की आई हुई साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, 5/10 की रेटिंग दी गई है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए पूरी पृथ्वी में मानव जाति में से सिर्फ लड़के ही बसते हैं और महिलाएं खत्म हो जाती हैं। सेम टू सेम कहानी इस मूवी का है, मतलब यहाँ पर एक महिला ऐसी बसती है जो पूरे कॉम को खत्म कर गई है। अब आगे देखना है इस महिला के साथ क्या होता है भाई साहब। इसका लिंक ऐड है, बहुत ही यूनिक स्टोरी है, लिंक आपको मिलेगा वीडियो बॉक्स में।
नंबर सेवन पर आती है, यह है टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे। 1991 में आई हुई ड्रामा साईफाई मूवी है। 8.6 की एम रेटिंग दी गई है। अगर आप लोग जानते हो तो यार, एलियंस की लड़ाई हमारे पृथ्वी में चल रही है। दो एलियंस के बीच एक एलियन अच्छा और एक एलियन बुरा है। अब आगे आपको देखना है कौन किसको मारेगा, कौन किसको बचाएगा। मूवी का लिंक ऐड किया हुआ है, 7th नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जाकर देख लो। नंबर सिक्स पर आती है द टू डू लिस्ट। 2013 की आई हुई जबरदस्त कॉमेडी रोमांस मूवी है यार। मूवी की एम रेटिंग है भाई, इस मूवी की एम रेटिंग हिसाब से मैं इस मूवी को दूंगा 5 of the 8 की एम रेटिंग। और मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि यार इस मूवी में कॉमेडी है, ड्रामा है, ट्रक सीन्स हैं, और भाई हमारे जो एज के यंगर हैं उनके लिए ये मूवी परफेक्ट होने वाली है। तो आप लोग इस मूवी को जल्दी से जाकर देखो। मूवी का लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 5 शेरलॉक होम्स। 2011 की आई हुई जबरदस्त मिस्टीरियस कॉमेडी क्राइम मूवी है, और हमारे एरनमैन भैया भी हैं। तो जब इतनी सारी स्टार कास्ट हो और ये पार्ट 2 है, याद रखना पार्ट 1 नहीं है, तो बिल्कुल भी कमेंट ना करें। 7.4 कैमरे के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक मर्डर हुआ है जिसको ढूंढने के लिए हमारे शैलुक भैया जा रहे हैं उस देश में। अब उस देश में क्या ढूंढेंगे, क्या उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको देखना है। नंबर फोर पर आती है सकर पंच। 2011 की जबरदस्त एक्शन फैंटास्टिक मूवी है यार। 6 of the 10 की रेटिंग दी गई है। अब इस मूवी की कहानी क्या है, तो यार मुझे सच बताऊं तो उतना खास तो पसंद पता नहीं है, क्योंकि मैं इस मूवी को पर्सनली नहीं देखा हूं। लेकिन ये हमारी गुड़िया रानी कैसे दुश्मनों का छक्के छुड़ा देती है, ये आपको देखना है। लेकिन ट्रेलर में जितना नजर आता है, ये कहीं पर कैद हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जाकर देख लो यार, लिंक ऐड है, जाकर देख लो। नंबर थ्री पर आती है स्काउट पिंग ग्रीम वर्सेस द वर्ल्ड। 2010 की आई हुई एक्शन रोमांस हॉरर ड्रामा मूवी है। 7.5 की एम रेटिंग दी गई है। स्टोरी एक ऐसी लड़की की जिसके पास जादू ही है। अब आगे आपको देख लेना है भाई लोग, मूवी अच्छी है, जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो बॉक्स में 3rd नंबर पर मिल जाएगा। नंबर 2 सी फॉर मी। 2021 की आई हुई हॉरर थ्रिलर मूवी है यार। मूवी की एम रेटिंग है 5.8 की। स्टोरी क्या है पता है आपको, मतलब इसमें एक ऐसी लड़की है जो यार एक ऐसे चीज से डरती है जो इसे मारना चाहता है। अब ये बचने की बहुत कोशिश करती है, क्या वो बच पाएगी या नहीं, आपको देखना है यार। नंबर 1 पर आती है फुल ऑन कॉमेडी ड्रामा मूवी, ये है 14 Year Old Virgin। एक ऐसा लड़का है या फिर एक ऐसा आदमी है जो 40 साल से वर्जिन है। अब आगे आपको देखना है इसके साथ क्या क्या होने वाला है। 2005 की कॉमेडी रोमांस मूवी है यार। 7.1 की एम रेटिंग दी गई है, जाकर देख लो। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे 10 बजे। बाय बाय।